आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर गलत तथ्यों की खबर प्रकरण, पत्रकार रोहित रंजन से जयपुर पुलिस कर रही है पूछताछ। नोएडा से जयपुर बनी पार्क थाने पहुंचे पत्रकार रोहित रंजन, यहां से कालवाड़ थाने ले गई है पुलिस और पूछताछ के लिए कालवाड़ थाने पुलिस ले गई है, पूछताछ इनसे की जाएगी। तो राहुल गांधी को लेकर गलत तथ्यों की खबर प्रकाशित करने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। पत्रकार रोहित रंजन से जयपुर पुलिस पूछताछ कर रही है इस पूरे मसले को लेकर के। जयपुर की जो पुलिस है वो पत्रकार रोहित रंजन से पूछताछ कर रही है। नोएडा से जयपुर बनी पार्क थाने लेकर पहुंचे हैं पत्रकार रोहित रंजन को पुलिस वाले, तो वहीं यहां से कालवाड़ थाने ले गई है पुलिस। तो यहां से कालवाड़ थाने पुलिस इनको लेकर चली गई है, अब यहां पर पूछताछ की जाएगी। अब देखना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब पुलिस की पूछताछ यहां पर कंप्लीट होगी, पुलिस की पूछताछ जब पूरी होगी तो उस दौरान कौन कौन से अहम तथ्य निकल कर सामने आते हैं, क्या कुछ जानकारी रोहित रंजन के द्वारा पुलिस को दी जाती है। राहुल गांधी को लेकर गलत तथ्यों की खबर प्रकाशित करने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। पत्रकार रोहित रंजन से जयपुर पुलिस पूछताछ कर रही है। नोएडा से जयपुर बनी पार्क थाने पहुंचे हैं पत्रकार रोहित रंजन, यहां से कालवाड़ थाने ले गई है इन्हें पुलिस। तो पुलिस इन्हें कालवाड़ थाने ले गई है, आगे की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जानकारी इसको लेकर के जुटाई जाएगी कि क्या कुछ वजह रही इस पूरी खबर को लेकर के, क्यों प्रकाशित ये खबर की गई, क्या जानकारी इसको लेकर, तमाम इनपुट्स को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर और अभी तक पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ अहम तथ्य निकल कर सामने आए हैं। घटनाक्रम अक्सर हो जाते हैं, एंटिटी भर्तियों ने अपनी मांग को लेकर बात रखी और मंत्री ममता भूपेश के समक्ष जो डिमांड थी वो रखी, मंत्री ने उनकी बात को सुना, लेकिन एंटिटी के भर्तियों के बीच से भर्ती के बीच से ही कुछ नेता जो थे वो अपनी बात कहनी शुरू कर दी। इस बात को लेकर हंगामा बढ़ गया, भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाया गया और इस आरोप के दौरान कहा सुनी हुई और देर तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की जन सुनवाई हंगामा बरप गया। इस तरह से कहा जाए तो सुनियोजित और सुव्यवस्थित जो जन सुनवाई है वो उस पर असर पड़ता है घटनाक्रमों के जरिए। मंत्री जन सुनवाई कर रहे हैं, उनके समक्ष। बिल्कुल योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, देखिए पत्रकार रोहित रंजन को लेकर के पुलिस पहुंचे है कालवाड़ थाने, तो ऐसे में अब क्या कुछ जानकारी मिल रही है पुलिस के सूत्रों के हवाले से? देखिए हमें की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं कि बनीपाल थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ था रोहित रंजन के खिलाफ, उसमें बनीपाल थाना पुलिस नोएडा से रोहित रंजन को देख के आई थी और देख के आने के बाद में हालांकि वह हंगामा होने के आसार थे, ऐसे में उठे अब रोहित रंजन पत्रकार है उसे कालवाड़ थाना लेके वहां से उनसे पूछताछ जारी है, जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की थी जो पत्रकार को लेकर खुद कांग्रेस पार्टी ने आक्रोश जताया था, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी। जो आरोप FIR के अंदर लगे हैं वो कहां तक प्रमाणित होते हैं, कहां तक सत्य, कहां तक सत्य होते हैं, तमाम बातों की जानकारी लेगी। साथ साथ जो क्लिप चली थी उस क्लिप के आधार पर भी जानकारी उठाई जाएगी कि आखिरकार रोहित रंजन दोषी है या नहीं है, तो इसमें पूछताछ शुरू कर दी गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना चाहिए बाकी है, थोड़ी देर में जब आला अधिकारी कालवाड़ थाने पहुंचेंगे तब इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि हाँ रोहित रंजन को लेके आए गए और पूछताछ की जा रही है, इस बारे में जानकारी थोड़ी देर में मिल पाएगी। आयुषी, बिल्कुल थोड़ी देर में पूरी जानकारी सत्यनारायण इस पूरे मसले को लेकर के मिल जाएगी और देखना यही महत्वपूर्ण कि अब आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम राहत भी पत्रकार रोहित रंजन को मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।